आपको बताऊं, बिल्कुल देखिए हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं टॉप एंगल से। ये जो पूरी दिल्ली पुलिस का कॉन्वॉय है और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया जा रहा है सीधे। देखिए दिल्ली पुलिस की एक ये गाड़ी अंदर की तरफ दाखिल हुई है, दूसरी गाड़ी और ये जो पीछे नीली वैन आप देख पा रहे हैं जेल वैन, इसी में अरविंद केजरीवाल अंदर दाखिल है। और ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर लाए गए अब से कुछ देर पहले, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज यही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जिनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, उनको अब दिल्ली पुलिस की टीम जेल वैन में लेकर जेल के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप होने के बाद उनको बैरक अलॉट किया जाएगा, जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि इसी गेट से कैसे बकायदा कड़ी सुरक्षा के बीच अरविंद केजरीवाल को ये जो केंद्रीय कारागार तिहाड़ जेल का है, इसी गेट से अंदर लेकर दिल्ली पुलिस की टीम, 3rd बटालियन की टीम अंदर दाखिल हुई है। अब अंदर वो जाएंगे, जो एक प्रोसेस होता है जेल मैनुअल का, उसके हिसाब से जेल अधिकारियों से मिलवाया जाएगा, उनका मेडिकल चेकअप होगा। तिहाड़ जेल के अंदर 2 अस्पताल हैं, मेडिकल चेकअप होगा और मेडिकल चेकअप के बाद जो तमाम जेल मैनुअल है वो उनको बताए जाएंगे कि जेल में क्या क्या होता है, किस किस तरीके से होता है, वो पूरा जेल मैनुअल उनको बताया जाएगा। उसके बाद जैसा कि हमने बताया तिहाड़ जेल के सूत्रों के हवाले से, जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा, वो बैरक में रहेंगे, 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे, एक आम कैदी की तरह रहेंगे, कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा। आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की पहली रात गुजरने वाली है।